जितनी ही बात भी 11, 10 और 12 मार्क में मैं कर सकता था ना, इस साल सबसे ज्यादा की, ठीक है, इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। पूरा लेआउट भेज दिया, वेदर के साथ हो वेदर के साथ ना हो, और मैंने भेजा भी है, नहीं भेजा आप लोगों को, एक सेकंड पूछो। मैंने आप लोगों को नहीं भेजा है ना? नहीं सर, नहीं भेजा। ओह आई एम सॉरी, डोंट जज मी ऑन दिस। भेज दे, ठीक है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट, एक पेज का डॉक्यूमेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं, सही है, एंड इट्स लाइक दिस, ठीक है जी। सो ये एक पूरा पूरा मैं डॉक्यूमेंट भेज दिया, जिसमें पहले 10 मार्क का लिखा हुआ है, फिर 12 मार्क का लिखा हुआ है, 12 मार्क लिखा हुआ है कि बगैर अगर उसके आ जाए फिर क्या, और फिर मैंने ये भी लिख दिया कि नॉलेज में क्या चीजें होती है, एप्लीकेशन में क्या चीजें मार्किंग करती है, 10-12 के ऊपर मैंने सारी बात। अब हमने बात करनी है सर 14 के ऊपर, और आज हमने सारे आंसर्स का लिखना है स्ट्रक्चर। बिफोर वी मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर थिंग, पहले जरा एक चीज का समझ लो कि अगर आपसे क्वेश्चन मार्केटिंग प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटजी, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैं दरअसल प्लान के क्वेश्चन के अंदर अभी मैं इतना ज्यादा इंट्रोड्यूस अभी नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेटजी के अंदर जो वर्ड चेंज है ना, मैं पहले उसकी बात कर, ठीक है। और नहीं, पहले हम प्लान के क्वेश्चन लिख लेंगे और फिर जो है हम लोग स्ट्रेटजी की तरफ आएंगे। तो आई विल कम बैक एंड टॉक अबाउट द चेंज थिंग एंड देन विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी थिंग। क्योंकि कल मुझे सजेशन आई थी कि सर वो आप जब सिर्फ स्क्रीन चलती है ना, बहुत लंबी चलती है, तो सर नींद आ जाती है, तो सर थोड़ी सी स्क्रीन थोड़ा सा लिखाएं, थोड़ी सी स्क्रीन थोड़ा सा लिखाएं, सो विल डू इट दैट वे, सही है। सो लेट्स गो एंड गेट द लेआउट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान, ठीक है। मार्केटिंग प्लान के बाद फिर दोबारा वापस आएंगे। ओके, वालेकुम अस्सलाम, चलिए जी लेट्स गेट गोइंग। ये जी हम लोगों ने लास्ट चीज लिखी थी, कल मैंने थोड़ी सी उससे बात भी कर ली थी, आज हम लोग जो है वो उस लेआउट के मुताबिक हम लोग बात कर रहे होंगे जो लेआउट हमारे पास हैं, ठीक है। सो इट्स बेसिकली 19/01/2021,
ये जो पहला जो हमारे पास जो मैथ फॉर्मूला है, लेआउट है आंसर्स का, इसमें डिस्कस दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, तो हम कम से कम दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज के साथ चलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन में हम लोगों ने मार्केटिंग प्लान की डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट एडवांटेज लिखा गया मार्केट प्लान का, उसका इम्पैक्ट ए इम्पैक्ट बी J1 J2 कर दिया, सही है। फिर दूसरा एडवांटेज कर दिया उसका J1 J2 कर दिया पूरा। फिर डिसएडवांटेजेस की तरफ आ गए, दो एडवांटेजेस लिखने का रीजन सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने सिर्फ ये जो एस जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर, ये जो एस आया है यहाँ पर, इसके लिहाज से हमने कहा भाई दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज काफी होंगे, चाहे तो 50,000 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर आपको थीसिस का पेपर अपेयर करना पड़ेगा। इट्स नॉट इट्स ओके। आप में से कितने लोगों का, बिफोर आई मूव ऑन, आप में से कितने लोगों का लॉग इन नहीं हो रहा, ये कुछ लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि उनका लॉग इन नहीं हो रहा। यरीश ने तो मुझे भी भेजा, लेकिन उसके बाद में दो तीन लोगों ने भेजा, अगर लॉग इन नहीं हो रहा तो प्लीज कॉलेज फोन करके वो आईडी शाइडी मांग ले, सही है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको आप लोगों ने जहन में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किस चीज से बेस कर रहा है, डिस्कस के साथ, देयरफॉर डिस्कस के क्वेश्चन के अंदर कभी भी फाइनल वर्डिक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने डिस्कस करने को बोला है, उन्होंने आपसे रिकमेंड करने को थोड़ी बोला है। अब आप कहोगे सर अगर मैं लिख दूं आदत है लिख दूं, भाई जाहिर सी बात है, ये तो वो बात है कि आपसे कहा जा रहा है कि बिरयानी बना लो, अब आपका दिल चाह रहा है कि बिरयानी, क्योंकि मैं तो रोटी खाता हूँ, सही है, इसलिए बिरयानी के साथ मैं रोटी खाऊंगा, तो जिस तरह से लोग आपको देखेंगे ना उसी नजर से एग्जामिनर भी देखेगा, बोलेगा कुछ नहीं आपको कि भाई आपने क्यों अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया, क्योंकि आपसे फाइनल वर्डिक्ट मांगा ही नहीं है, सही है, आपसे तो कहा गया है कि आप डिस्कस कर दें सर। हाँ, आपसे किन क्वेश्चंस के अंदर फाइनल वर्डिक्ट की बात होगी, वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनमें फाइनल वर्डिक्ट की जरूरत होती है, याद रखिएगा, डिस्कस के अलावा, एक्सप्लेन के अलावा, एनालाइज, एनालाइज तो खैर होते नहीं, देयरफॉर जिनमें आपको फाइनल वर्डिक्ट नहीं देना होता वो आपके पास डिस्कस का कीवर्ड होता है और एसेस का कीवर्ड होता है, एसेस या डिस्कस या एक्सप्लेन, ये तीन वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर आपसे कहा जाता है कि आप काइंडली अपना वर्डिक्ट अपने पास रखें, हमें आपके फाइनल वर्डिक्ट से कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ कंक्लूजन लिख दीजिए, सही है। तो ये याद रखना कि जो कीवर्ड्स हैं जिनके साथ नो फाइनल वर्डिक्ट लिखता है, सही है, वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके साथ नो फाइनल वर्डिक्ट लगता है, ये आपके पास पहला कीवर्ड जो है दिस इज एक्सप्लेन, सही है, एसेस, डिस्कस। अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही तीन कीवर्ड्स लिखे हुए हैं तो आप काइंडली फिर नहीं करें, लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा कौन कौन से कीवर्ड्स जिसमें आपको वर्डिक्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये वाले कीवर्ड्स जो होते हैं ये कीवर्ड्स में आपको वर्डिक्ट देना लाजमी होता है, ठीक है। सो ये बताने का सिर्फ रीजन ये ताकि आप लोग देखिए हर क्वेश्चन की जो डायरेक्टिव कीवर्ड्स है ना ये बेसिकली मैटर करते हैं कि आपको आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इस आंसर को मुझे कैसे लेके चलना है तो यू विल बी राइटिंग डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर ईदर दे आर नॉट रिक्वायर्ड और दे नेवर क्वालिफाइज फॉर दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया, सो बाय द एंड ऑफ द गेम You might be writing less or more, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि यार इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को मालूम ही नहीं है कि इवेल्युएट के कीवर्ड के साथ उसको फाइनल वर्डिक्ट देना लाजमी है, तो वो कंक्लूड भी कर देगा ना तो उसको यहां पर एक ही नंबर मिलेगा, सही है ना, क्योंकि कंक्लूजन का एक ही नंबर है, अलग नंबर कहाँ है आपके पास इवेल्युएशन का, फाइनल वर्डिक्ट पे है, लेकिन डिस्कस के कीवर्ड के अंदर
फाइनल वर्डिक्ट का नंबर है ही नहीं, अब बच्चा बैठा हुआ है, बैठ के उसे दोबारा से फाइनल वर्डिक्ट भी लिख रहा है और सब कुछ कर रहा है, तो पॉइंट इस तरह से कि वो कहेगा, एग्जामिनर कहेगा लिख तो तुमने दी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें से मांग ही नहीं रहा ये चीज। ठीक है, आपसे कोई बंदा कहता है गाड़ी का, ये गाड़ी की चाबी देना मुझे आगे कहीं जाना है, आप कहते हैं यार गाड़ी की चाबी तो नहीं ले, गाड़ी की चाबी तो तुम ले लो, ये शान का मिर्च मसाला भी तुम ले लो। भाई ये शान का मिर्च मसाला क्यों दे रहा हूँ? भाई दे लो ना यार, क्या जा रहा है, ले लो, क्योंकि मैं हर एक को ये देता हूँ। तो वो कहेगा, वो बंदा ये सोचेगा मुझे इसकी जरूरत तो है नहीं, देख ही रहा, चल कोई बात नहीं वापस दे, लेकिन क्या आप उसको इस्तेमाल करोगे? नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं होगी आपके पास। यही वो इश्यूज है सारे के सारे। सो दैट यू नीड टू नो कि व्हेन व्हाट एंड हाउ हैज टू बी रिटन, सही है, लाइंस गिवन होती है यार, मसला ही है सारे का सारा। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ, जो पार्ट बी हमारे पास है, जिसमें हमसे कहा जाएगा, बी जो दूसरी चीज थी, दिस इज अबाउट सही है, रेकमेंड अ मार्केटिंग प्लान, सही है। तो अब हम रेकमेंड करते हैं मार्केटिंग प्लान, रेकमेंड करने का क्या तरीका कार होगा। तो पैराग्राफ वन जो है, इट्स गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। अब ये जो चीज अब मैं लिखने लगा हूं, ठीक है, ये ऑप्शनल है, चाहो तो लिख दो, चाहो ना तो लिख, ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि ये चीज आप इसमें ऐड करें, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट किया ना काम, ये आपके पास ऑप्शनल है, सही है। थ्री मैंने क्वेश्चंस, ये थ्री क्वेश्चंस कौन से वाले क्वेश्चन है, व्हाट वी आर, वेयर, हु वी आर, वेयर वी वांट टू अचीव, व्हाट वी वांट टू अचीव, ब्ला 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 कहानी है ना, ये चीजें जो है ये आपकी मर्जी है। मतलब मैं अगर मुझसे कहें तो मैं ऐसा कहूंगा, हाँ लिख दो तो अच्छी बात है, तो सो दैट ये नॉलेज है ना सारी की सारी, तो आपने पहले मैं नॉलेज करती कि मुझे ओरिजिनली इस चीज के बारे में मालूम है, व्हाट वी हैव टू, ठीक है ना। तो या अगर आप चाहें तो आप हर पैराग्राफ के ऊपर स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि ये जो आपके पास पैराग्राफ मार्केटिंग प्लान है, इट्स बेसिकली डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है। पूरा का पूरा पहला क्वेश्चन जो है वो ज्यादा डिटेल में आ रहा होता है, और सिंस ज्यादा डिटेल में आ रहा होता है, दैट इज द रीजन वाई हमारे पास जो इवेल्युएशन स्कोर्स होते हैं वो कहीं और लाई कर रहे होते हैं, वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर टू, अब एक बच्चा बोलता है, सर अगर मैं तीन क्वेश्चंस पहले पैराग्राफ में ना लिखूं और मैं पैराग्राफ टू के अंदर मैं पहला क्वेश्चन लिखूं, हु वी आर, सही है, और फिर मैं उसके बारे में बात करना शुरू करूं, फिर दूसरे पैराग्राफ में लिखूं व्हाट वी वांट टू अचीव, फिर मैं बजटिंग के और उसके बारे में बात करूं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूं, और फिर अगले पैराग्राफ के अंदर मैं तीसरा क्वेश्चन रेज करूं कि हाउ वी वांट टू अचीव, और वहां पर मैं जो हूं मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करूं, वुड दैट बी अ फाइन थिंग? ओके, कर ले, टेंशन की बात है, लेकिन क्वेश्चंस मेंशन जरूर करें ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि यार ये मार्केटिंग प्लान में जिंदा रह रहा है, ठीक है। खैर, हम लोगों ने तीन क्वेश्चंस ऊपर आइडेंटिफाई कर दिए, अब ये चीज आपके लिए मैंने, क्योंकि इस पे मैंने स्टार बना दिया, सो दिस इज काइंड ऑफ एन ऑप्शनल थिंग, चाहे तो लिख दें, अच्छी बात होगी, नहीं लिखेंगे आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन फिर आपको हर पैराग्राफ के साथ चलना पड़ेगा, हर पैराग्राफ में क्वेश्चन बता के फिर बात करनी पड़ेगी। मैंने क्योंकि तीन क्वेश्चंस पहले लिख दिए हैं, मैं तीनों के तीनों क्वेश्चंस, तो अब मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा पहले क्वेश्चन की तरफ, जो पहला क्वेश्चन जो होगा, दैट इज हु वी आर एंड वेयर वी आर वाली कहानी। तो हु वी आर और वेयर वी आर के अंदर हमारे पास जो मैंने बातें की थी, अब उन सब के मुझे इंपैक्ट ए लिखने, ठीक है।
रिमेंबर दैट इनमें किसी में आप इम्पैक्ट बी पे नहीं गए, आपने सिर्फ बताना है उसको आगे वो करना है, एंगेज करना है, एनालिसिस ओपन करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आप ये चीज कर चुके हों तो आपने अब एक इवैल्यूएशन देनी है और उनमें से आपने इवैल्यूएशन के अंदर आपको ये चीज करनी है कि ये जब आपका पैराग्राफ डेवलप होगा तो आपने सिचुएशन एनालिसिस के बारे में बताया है, ठीक है। रिमेंबर दैट जब कभी कोई प्लान श्लान आप बता रहे होते हैं ना, तो प्लान इज अ जनरल थिंग, तो उस पर आप इस वजह से बताते हैं कि ये वीकनेस है। मैंने जैसे कल भी क्लास में बात की थी कि ये जो आपकी वीकनेस है थ्रेट वगैरह होगा, अगर तो एक मार्केटिंग से रिलेटेड हो तो क्या ही बात है, लेकिन अगर बिजनेस बेसिस बेस पर भी हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। याद रखना इसमें आपने J1 J2 तक नहीं लेके जाना, आपने स्टेट करना है और आपने उसको एक्सप्लेन करना है, फिर स्टेट करना है, एक्सप्लेन करना है, स्टेट करना है, एक्सप्लेन करना है, लेकिन इन सब चीजों को करना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज जो है दिस इज बेसिकली द होल आंसर ऑफ सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है। यानी आप सिर्फ एनालिसिस तक ही रहे, सही है। ठीक है, सो आपने ये दूसरा पैराग्राफ जो होगा इट्स गोइंग टू बी समथिंग जो कि शायद आपका इम्पोर्टेंस की तरफ जा रहा होगा, जिसपे आपने बात करनी है कि बजटिंग क्यों जरूरी होती है और स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स क्यों जरूरी होते हैं, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखना कि ये जो आपने बात करनी है, अगेन इट्स जस्ट द एनालिसिस, इट्स ये पूरा का पूरा जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जितना भी है, सारी की सारी चीजें जिसको मैंने अभी हाईलाइट की है, ये तमाम तर चीजें जो है या सिर्फ इम्पैक्ट एस पर जाके रुक रही है। एक्सप्लेन करें छोड़ें, एक्सप्लेन करें छोड़ें, जजमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों जजमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली यहां पर आपको इस क्वेश्चन को एलैबोरेट करना है कि हु वी आर में क्या इंक्लूडेड है, हाउ वी वॉन्ट टू अचीव, सॉरी वॉट वी वॉन्ट टू अचीव में क्या इंक्लूडेड है, और फिर हाउ वी वॉन्ट टू अचीव मीनिंग मार्केटिंग मिक्स के ऊपर फिर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और वहां पर सारी इवैल्यूएशन आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। सो अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, वो तीसरे क्वेश्चन के लिहाज से बात करना शुरू करेंगे। ये वाला जो था, ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला पैराग्राफ नंबर टू पहले क्वेश्चन के लिए था, व्हाट वी हु वी आर एंड वेयर वी आर, सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन पैराग्राफ थ्री जो था वो दूसरा क्वेश्चन के लिए है कि व्हाट वी वांट टू अचीव, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो है अब आ रहा है हाउ वी वांट टू अचीव, तो अब आपने यहां पर इवैल्यूएशंस अब अचीव करने शुरू करनी है, ठीक है। तो इवैल्यूएशंस का स्कोर्स अब आपको मिलना शुरू कैसे करना है, क्योंकि अब आपने हाउ वी वांट टू अचीव है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अब 4 P's आ गए, ठीक। अब 4 P's में से याद रखना, जब कभी प्लान में बात कर रहे हो तो यू जस्ट हैव टू टॉक वन साइड, सिर्फ एक साइड की बात करके आप इसको इवैल्यूएट करोगे, मीनिंग आपके पास पहले बात आएगी प्रोडक्ट्स USP, सही है। इसका इम्पैक्ट ए, इसका इम्पैक्ट बी, इसका जजमेंट और इसकी जस्टिफिकेशन, ठीक है। यानी कि अब प्रोडक्ट का जो यूएसपी है क्या होना चाहिए, जो है ठीक है, जो नहीं है आप बता दें, और उसका इम्पैक्ट ए बी एंड J1 J2, प्रोडक्ट होता क्या है, ये किस सी से लिंक्ड है, ये इसे पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या चीज होती है, ऐसी बातें आपने नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू गो विद वन साइड एलिमेंट के, क्योंकि आप प्लान के अंदर है ना, लेकिन आपको इवैल्यूएशन का स्कोर भी चाहिए, तो अब आप यूएसपी के ऊपर जाते हुए कि भाई प्रोडक्ट का ये यूएसपी हो सकता है, इससे ये फायदा, फर्दर ये फायदा होगा, मेरा ख्याल है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रीजन दिस, ठीक है। इसी पैराग्राफ के अंदर अब आप करेंगे प्राइस स्ट्रेटजी, कोई भी प्राइस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, उसका आप लिखेंगे इम्पैक्ट ए, उसका लिखेंगे आप इम्पैक्ट बी, सही है। उसके साथ आप करेंगे J1 और उसके साथ करेंगे आप J2, सही है। कोई अभी पीईडी सीईडी के बारे में यहाँ पर बात नहीं करनी, क्योंकि ये तमाम तर वो बातें हैं जो मैं आपको फर्दर बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में बात करना या पीईडी के बारे में बात करना या ऐसा ऐसी चीजों के बारे में बात करना, ये स्ट्रैटेजी का काम है जब हम उसको इलैबोरेट कर रहे हो। तो इट्स बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग जो कि एक इक्वल बेसिस पर सब चीजें चल रही हो, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे पास आएगा प्रोमोशन, प्रोमोशन स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी, एक अबव द लाइन चल रहा है, बिलो द लाइन चल रहा है, कोई भी एक,
लेकिन इन सब में आपने इम्पैक्ट ए बी जे वन और जे टू लेके जाना है। ये जो आपके पास एरिया है ये असल में आपको दिला रहा है असल इवैल्यूएशन के स्कोर्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि इसी वजह से हर एक को आप जाकर बात कर रहे होंगे। ये जो आपके पास जितना भी है, जिसको अब मैं ऑरेंज के साथ इसको कर रहा हूँ, ये सारा का सारा जितना भी है ये आपके पास है एनालिसिस का स्कोर, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक। एनालिसिस का स्कोर और कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखो ये एनालिसिस है पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा का पूरा एनालिसिस है, ये सारा एनालिसिस, ठीक है। और जो स्टेट कर रहे हो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, पेनिट्रेशन करते हैं आप, प्रमोशन करते हैं स्ट्रेटेजी के लिहाज से आप ये करते हैं, आप प्लेस के लिहाज से आप ऑनलाइन भेजते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये यहाँ पर जो आपका ग्रीन वाला एलिमेंट है ना, ये चीज इसने ओरिजिनली आपको इवैल्यूएशन के स्कोर दिए हुए, ये जितनी भी चीजें आ रही हैं ये आपका सारा का सारा एनालिसिस है, ये भी सारा का सारा आपका एनालिसिस है, सही है, ये सारा का सारा आपका एनालिसिस है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखना कि हम क्यों लिख रहे हैं, हमें कहां पर किस जगह पे जाकर स्कोरिंग मिलने शुरू हो जाए, ठीक है जी। एंड देन वी बेसिकली हैव द फिफ्थ पैराग्राफ। अब क्योंकि ये रेकमेंड का कीवर्ड है इसलिए अब इस पे आएगा फाइनल वर्ड, ठीक है। तो फाइनल पैराग्राफ हमारे पास आ गया, अब फाइनल वर्ड कहां से सेलेक्ट करना है। फाइनल पैराग्राफ के अंदर जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आपका पैराग्राफ टू में से सिलेक्ट कर, सही है। क्यों भाई, हम पैराग्राफ टू में से क्यों सेलेक्ट करेंगे, हम पैराग्राफ फोर में से क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते, या हम पैराग्राफ थ्री में से क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते। बेतहाशा था बात की है इस बारे में कि आपका जो ओरिजिनली जो कल भी क्लास में हमने बात की थी कि जो प्लान और स्ट्रेटेजी के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो है सिचुएशन एनालिसिस के। तो हमें ओरिजिनली जो पैराग्राफ टू में से कोई भी फैक्टर जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है हम उसके बारे में बात करेंगे, और अब उसका देंगे इम्पैक्ट बी और फिर करेंगे उसका जे वन जे टू, समझ आइए। तो दैट इज द रीजन वहां पर हमने छोड़ा इसलिए था क्योंकि जिसको भी अब हम लोगों ने ऊपर से सिलेक्ट करना है पैराग्राफ टू में से, जिसको भी सेलेक्ट करना है तो उसको हम आगे फर्दर हम कहेंगे भाई मेरा ख्याल ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कस्टमर कंडीशन को असेस करना है, क्योंकि उसका ये फायदा, क्योंकि उससे ये एंड द रीजन सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। गिव दैट पर्टिकुलर थिंग एंड इट्स जस्टिफिकेशन, सही है। सो इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ, ओके, इट्स गोइंग टू बी एनीथिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ, ठीक है जी। कोई भी एक चीज आपके पास हो सकती है, सही है। जो भी कोई चीज आपने निकालनी है उसका आपने बताना है रीजन व्हाई, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी In my opinion, competence condition is the most important one, is the most important factor. इसको plan को इस पे set करना पड़ेगा। एक बच्चा कहता है सर मेरा ख्याल है कि economic conditions are more important. Fine, your choice is yours. एक बच्चा कहता है सर मैं तो strength समझता हूँ, strength की वजह से तो जीत जाएंगे हर चीज, बहुत अच्छी बात है भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे आपकी बात पे कोई वो नहीं है, negation नहीं है, लेकिन जो selection है आपकी final verdict के answer की has to be from paragraph number two. पहली चीज, नंबर टू चीज ये कि आपने साथ उसके रीजन देना है, ठीक है। देन वी हैव कंक्लूजन, सही है। और कंक्लूजन कहां से आएगा जनाब, बिल्कुल लास्ट वाला
क्वेश्चन की तरह इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग प्लान इन कॉर्पोरेट, क्योंकि क्वेश्चन जो है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये ओरिजिनली आपके पास है फॉर 14 मार्क्स, 14 मार्क के लिए है। देयरफॉर इसकी जब आप वो करते हैं क्वांटिफिकेशन करते हैं तो इसे क्वांटिफिकेशन इस तरह से आती है कि आपके पास नॉलेज होती है 2 मार्क की, आपके पास एप्लीकेशन होती है 2 मार्क की, आपके पास एनालिसिस होता है 4 मार्क का, और आपके पास इवेल्युएशन होती है 6 मार्क की। और मैंने कल बात की थी कि ये 6 मार्क जो है ये 2 हिस्सों में टूट जाता है, 4+2, ठीक है, और ये जो 2 है ये ओरिजिनली इस पैराग्राफ का 2 नंबर है। बाकी हमारे पास 4 इंस्टेंसेस होनी चाहिए इवेल्युएशन की, ये देखिए 4 इंस्टेंसेस हमारे पास इवेल्युएशन की पड़ी हुई है, यहाँ पर हमारे 4 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन जस्ट जस्टिफाई कि यार क्यों हम चीजें लिख रहे हैं, ठीक है ना। और इसलिए आपके पास नॉलेज के 2 मार्क हैं, सही है, इसलिए हम चीज बता के सब उसकी एनालिसिस पे चले जाएंगे, हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, क्या है सर, मैं कोई फायदा नुकसान लिख सकता हूँ? कोई फायदा नुकसान लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपसे कहा जा रहा है बिरयानी बनाने की तरकीब बताओ, सही है। अब आपने कहा बिरयानी बनाने की तरकीब बताता हूँ, मैं रिकमेंड करो स्ट्रेटजी बताओ मुझे, रेसिपी बताओ बिरयानी बनाने की। तो आपने कहा 1 किलो चावल लेंगे, 1 किलो मुर्गी लेंगे। यार चावलों और जो बिरयानी है ना वो कराची की बेस्ट डिश है, और अगर आलू डाले हुए हों तो क्या ही बात है, और ये बहुत सारे कराची के बेहतर जगहों पे मिलती है। मुझे इन तमाम लाइनों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपकी रेसिपी वहां रुक गई है जहां पर आपने चावल और मुर्गी के बारे में बात की थी, अब आप बैठ के तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, सही है। मुझे रेसिपी बताओ अब क्या करना है, तो इससे फायदे नुकसान आपके ऊपर आपने रोना धोना नहीं, फाइन जी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग प्लान के रिकमेंडेशन, जो कि ओरिजिनली 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 14 मार्क्स क्वेश्चन के लिहाज से हम लोग ये चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये अभी हम लोगों ने प्लान के लिहाज से जो दोनों क्राइटेरियाज हैं उनको सेट कर लिया है कि यार ये चीज जो है ये इस तरह से चलेगी और काम ऐसे किया जाएगा, ठीक है, मेक सेंस। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं वापस आ रहा हूं वीडियो पर। जी तंजीला क्वेश्चन क्या बोले, बोले सर रिकमेंड वाले में आपने पैरा 1 में लिखा था डिस्कस 3 क्वेश्चंस, तो वो समझ नहीं आ रहा था। देखिए वो 3 क्वेश्चंस आपकी मर्जी है कि आप वहां पर तीनों क्वेश्चंस आप लिख देंगे, यानी जैसे कल आपने माशाल्लाह कितनी अच्छी एप्लीकेशन की थी, हु वी आर, वेयर वी आर, व्हाई वी आर हियर वाली कहानी थी ना, जिसमें आपने कहा था कि हम मकसद बताना नहीं चाहूंगा कि आपने क्या कहा था। तो अब ये जो क्वेश्चंस है ना 3 बेसिक के, हु वी आर, वेयर वी आर, ठीक है, हाउ वी वांट टू अचीव एंड व्हाट वी वांट टू अचीव, सही है। ये तीनों क्वेश्चंस आप पहले ही पैराग्राफ में बकायदा लिख देंगे। मार्केटिंग प्लान तो ये चीज एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, एंड दिस डेफिनेशन के बाद आप कहेंगे दिस प्लान आंसर्स 3 मेजर क्वेश्चंस, और बकायदा क्वेश्चन 1, 2, 3 आप तीनों को कॉमा डाल डाल के लिख देंगे, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। ये जो क्वेश्चंस लिखना है ना ये ओरिजिनली नॉलेज का पार्ट, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने पैराग्राफ 2 के ऊपर आपने पूरी बात करनी है, फिर 3 और 4 के बारे में बात करें, फिर वर्डेड के ऊपर आ जाएगा, मेक सेंस। ओके सर, थैंक यू, गुड। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सही है। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैंने कहा था 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है चेंज और एक आता है रेकमेंड। तो रेकमेंड आएगा तो उसमें तो हम, अच्छा रेकमेंड वाला क्वेश्चन जो होता है ना उसमें फिर तकरीबन सिलसिला जो है वो आपका इसी तरह से प्लान की तरह का ही चलता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाते हैं। उसमें जो मार्केटिंग मिक्स वाला पैराग्राफ है ना वो बड़ा हो जाता है, और बाकायदा हम मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट के अंदर रहते हुए बकायदा हम यूएसपी एक नहीं बल्कि
दो लेके चलते हैं, क्या ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, मेरे ख्याल में ये वाला बेहतर है, therefore that is the reason. इसी तरह से जब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बात की जाएगी तो हम एक स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, हम दो स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, कहेंगे भाई तुम जो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी कर सकते हो, तुम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी कर सकते हो. पेनिट्रेशन प्राइसिंग करोगे तो सही है, फायदा होगा, और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग करोगे तो सही है, फायदा होगा. मेरा ख्याल ये है कि ये वाली फायदा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे ये चीज अचीव हो सकती है, प्लस प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी की तरफ आओगे तो कुछ भी कह सकते हो, ब्रांडिंग कर लो, आपके एग्जीबिशन में चलो, ट्रेड फेयर में चले जाओ, कूपॉन्स लॉन्च कर दो, टेस्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दो, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, स्पॉन्सरशिप ले लो, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी चीज किस तरह के स्पॉन्सर किस तरह के प्रमोशन चाह रही है. सही है, दो बतानी होंगी आपको, सही है, दोनों बताने का, दोनों का एक एक फायदा यानी कि इम्पैक्ट ए बताएंगे और फिर उन दोनों इम्पैक्ट ए में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन करने में ये रीजन मुझे ज्यादा पसंद आ गया. ठीक, इसी तरह जब प्लेस की बात करोगे तो ट्रेडिशनल जी आप अपने रिटेल आउटलेट से बेच सकते हो, ऑनलाइन भी बेच सकते हो. ऑनलाइन को थोड़ा सा आप जो है वो करेंगे ज्यादा प्रेफर. ठीक है, जब एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी की बात हो रही होगी, जब प्रमोशन की बात होगी, तो जब आप स्ट्रेटेजी रेकमेंड कर चुके होंगे, तो जे टू कर रहे होंगे ना, तो उसके अंदर कोशिश करेगा कि AED के बारे में बात करें, प्रमोशन इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी. जब आप प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहां पर आप जो है PED की बात करें, जब जस्टिफाई कर रहे हो. जब आप प्लेस के लिहाज से बात करेंगे तो दैट इज अगेन वैसे ही होगा कि दोनों स्ट्रैटेजीज का एक एक फायदा, फिर उन फायदों में से एक सेलेक्ट किया जाएगा, रीजन दिया जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर से. तो आपका आंसर की जो असल में जो डेप्थ है वो मार्केटिंग मिक्स में एग्जिस्ट कर रही होगी, थ्रू आउट एग्जिस्ट नहीं कर रही. प्लान के अंदर हमने क्या देखा, हमने प्लान के अंदर सिचुएशन एनालिसिस को ही वो किया, फोकस किया, फिर हम लोगों ने जो है बजटिंग और ऑब्जेक्टिव को भी फोकस किया, फिर उसी तरह से हम लोगों ने इक्वली मार्केटिंग मिक्स को बताया जरूर, लेकिन ज्यादा डिटेल में लेके नहीं गए. लेकिन अब क्योंकि स्ट्रैटेजी बतानी है तो स्ट्रैटेजी तो होती है मार्केटिंग मिक्स के ऊपर. ठीक है, जब ये चारों मार्केटिंग मिक्स से मैंने बात हो गई है, फिर आपके पास एक पैराग्राफ आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग एंड स्मार्ट ऑब्जेक्टिव. याद रखना है ये थर्ड सेकंड पैराग्राफ, जो थर्ड पैराग्राफ था ना, जो अभी मैंने आपको लिखवाया है, ये थर्ड पैराग्राफ है, एग्जैक्टली ऐसी पैराग्राफ दोबारा आपने लिखना है, क्योंकि ओरिजिनली जो आपका स्ट्रैटेजी है वो पैराग्राफ 3 और 4 के ऊपर एग्जिस्ट करती है, यानी व्हाट वी वांट टू अचीव एंड हाउ वी वांट टू अचीव. प्लान जो है उसमें एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि हु वी आर एंड वेयर वी आर वाली कहानी. सही है, तो फिर आपका रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाएगा. रिमेंबर दैट सिंस यही चीज जो है ये आपसे रिकमेंड के अंदर पूछी जा रही है, तो फाइनल वर्डिक्ट भी आएगा और फाइनल वर्डिक्ट के साथ आपका कंक्लूजन भी आएगा. कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे. ये सारा मैं आपको अभी लेआउट लिखवा दू. ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है वो आता है क्वेश्चन के अंदर, जब कीवर्ड बीच में आंसर के दरमियान में लिखा हुआ था, क्वेश्चन के बीच में लिखा हुआ था चेंज. ये चेंज की कहानी है ना, ये जरा समझ. ठीक है, कि आपसे कहा जा रहा है कि जी हम चाय पिलाते हैं, चेंजेस कर दें प्लीज, बताइए चेंज रेकमेंड कर दें, चेंज रेकमेंड कर दें, चाय पिलाते हैं हम लोग. सही है, स्कूल के अंदर हम लोग चाय पिलाते हैं, चेंज चाहिए जरा. तो क्या करूं, पहले मैं कहूंगा चाय पिलाते हैं, और चाय पिलाने से क्या नुकसान होता है समझ आइए, क्योंकि मुझे चेंज लेकर आना है ना, तो चेंज लाने के लिए जो चीज हो रही है ना मुझे उसकी पहले बुराई करनी, ताकि चेंज लाने की एविडेंस डेवलप हो जाए, एक 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 क्या कहते हैं, एक रीजन डेवलप हो जाए कि यार इट दिस चेंज इज इनएविटेबल, इट हैज टू हैपन. सही है, माना के केस ने बात की हुई है, लेकिन मैं अपने अंदर से अपने अपनी नॉलेज में रहते हुए मैं बताऊंगा भाई ये जो चेंज ला रहे हो ना तुम, इस चेंज लाने का, ये चेंज किसी भी जगह पे आ सकता है, ये चेंज आपके HR में भी आ सकता है, ये चेंज आपके ऑपरेशंस में भी आ सकता है, ये चेंज आपके मार्केटिंग में भी आ सकता है, ये चेंज आपके स्ट्रेटेजी में भी आ सकता है, चेंज मैनेजमेंट. सही है क्या, जो हो रहा है अगर यही होता रहा तो क्या इशू आए. सही है ना, यही तो बात है सर, चेंज लाते क्यों है भाई. मैं फॉर एग्जाम्पल आज एक ब्लैक टी शर्ट पहन के बैठा हुआ हूं, तो अगर मैं इसको चेंज नहीं करूंगा तो क्या होगा. हाँ यार, ये अगर चेंज नहीं करूंगा तो यार ये इशू होगा. देयरफॉर कल मैंने बात की थी ना, अगर डिसएडवांटेज होगा तो मैं देयरफॉर ये इशू है,
तो करना क्या है, जो चेंज है ना उसका मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट ए लिखना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ए नहीं लिखना। अगर मैंने पॉजिटिव लिख दिया ना तो चेंज लाने की जरूरत ही नहीं भाई। जब ये चीज अभी फायदा दे रही है तो चेंज क्यों कर रहे, खुद ही सोचो सही ना। चेंज लाने के लिए जिस चीज को मैंने चेंज करना है मुझे उसका इश्यू होगा तभी चेंज करूंगा ना, इसका इशू ही नहीं होगा तो चेंज क्यों करूंगा मैं, सही है। सो जो भी कोई एलिमेंट हमारा चेंज के लिहाज से एग्जिस्ट कर रहा है, याद रखिएगा कि उसके अंदर आपको ये चीज ज़हन में रखनी है कि अगर वो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है कि जी यूएसपी हमारा फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पैकेजिंग चेंज की है, सही है, चेंज की है, चेंजेस इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताते हैं। तो आप कहेंगे देखो यूएसपी पैकेजिंग चेंज करने से यह नुकसान होगा भाई, कॉस्ट बढ़ जाएगी और इस तरह की चीज, आपने कोई एक उसका नेगेटिविटी बताई, देयरफॉर सही है, देयरफॉर या आपने कहा पैकेजिंग चेंज करोगे तो ये बहुत आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, एकदम से अभी तो आपने एकदम से हाइप डेवलप किए, क्या आप ये आगे इसी तरह की हाइप डेवलप कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या आप कस्टमर से रिटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसके थ्रू। तो अगेन ये आपने उस यूएसपी की पहले तो मार दी बाट, सही है कि भाई इसका मतलब ये कि यूएसपी वाला जो वो है ना पी के साथ जो अटैच, प्रोडक्ट के साथ जो चीज अटैच हुई वो अच्छी नहीं है, देयरफॉर क्या करूं, देयरफॉर यार क्वालिटी इंक्रीज करो, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज करो, उससे क्या फायदा होगा, यानी कि जो हो रहा है उसका नुकसान, देयरफॉर का कीवर्ड जो आप सजेस्ट कर रहे हो उसका फायदा। बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेटेजी के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हो चेंजेस इन प्राइसिंग के अंदर, तो हो सकता है वो कह रहे हो कि जी हम लोग जो है वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग कर, या हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर, फाइन चेंजेस की बात करो, मुझे नहीं लग रहा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए, सही है, क्योंकि उसका एक इशू दे दोगे उठा के आपको, देयरफॉर आपको स्किमिंग करनी चाहिए, आपको साइकोलॉजिकल करनी चाहिए, ठीक है, क्यों करनी चाहिए, रीजन साथ दे देंगे। तो जैसे आपकी जो आप सजेस्ट कर रहे हो ना ये आपका क्या है, ये आपका जजमेंट है, और जो उसका आप एडवांटेज देखो वो क्या बन रहा है, इसका जस्टिफिकेशन बन रहा है, इसका रीजन बन रहा है, सही है। सो जो चीज गिवन है उसकी बुराई एनालिसिस हो गया, देयरफॉर जो करना चाहिए योर इवैल्यूएशन एंड उसका रीजन यानी कि जस्टिफिकेशन, इवैल्यूएशन साथ साथ होती चली जा रही है। सबसे पहले प्रमोशन के ऊपर बात आ जाती है कि जी प्रमोशन हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे सेलिब्रिटीज को हायर कर रहे, सॉरी जी इतने तो पैसे ही नहीं जितने सेलिब्रिटीज आप हायर कर रहे हो भाई, जरूरत नहीं है। और सेलिब्रिटीज के साथ अगर किसी तरह का कोई एकदम से कोई कॉन्स्पिरेसी या कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई तो प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हो जाएगी, तो यार यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग एज वेल। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ हायरिंग और हैविंग सेलिब्रिटीज आपके और दूसरी चीजें हैं जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं, उसका ये फायदा हो, प्लेस के लिहाज से बात की जा सकती है इसी तरह से, सही है। सो हर पी के लिहाज से उसका एग्जिस्टिंग एलिमेंट की इशू, देयरफॉर आपकी सजेशन और उसकी जस्टिफिकेशन, यानी कि उसका एक अंडर एडवांटेज, वो उसका इम्पैक्ट एम एक बी जे वन जे टू नहीं करना उसका, सिर्फ इसी वजह से लेआउट के ऊपर बात, मैंने कहा था कि इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं है, इसमें लेआउट का है कि करना क्या है। आमतौर पर बच्चा ऐसा करता क्या है कि वो बैठ के पहले उसे समझ नहीं आती चेंज को कैसे लेकर, तो बैठ के दोबारा से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के दे देता, कहता है ये एग्जामिनर कहते हैं बात सुनो, अच्छा एग्जामिनर से खेलता है, एग्जामिनर कहते हैं मैं आपको चार पी तो दूंगा ही, मैं आपको दो पी दूंगा, ठीक है, जितने पी केस के अंदर गिवन है उतने पी को चेंज करना है, और जो मिस है, जो मिस हुआ हुआ है उसको रिकमेंड करना है, ये है असल कहानी। आई रिपीट, जितने पीस, चार पीस में से तीन पीस गिवन है, एक पी गिवन नहीं है, तो ये तीनों पीस के अंदर क्या होगा, बकायदा आपको इसके चेंजेस बताने होंगे, हर एक पी यानी प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन में से कोई भी तीन पी आपके पास गिवन होंगे, केस स्टडी में लिखे हुए होंगे, और आपको उन तीनों पी में हर एक के अंदर जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट चल रहा है उसका इश्यू बता के अपना आपने रिव्यू देना होगा, अपना इश्यू बता के अपना ओपिनियन देना होगा, अपना इश्यू बता के अपना ओपिनियन या रिव्यू देना होगा, ठीक है। जो नहीं गिवन है उसको रिकमेंड करो, सही है, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो पूरी की पूरी चारों पी पे डिपेंड करती है। याद रखना पेपर के अंदर कभी भी चेंजेस से क्वेश्चन के अंदर दे नेवर एवर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल फोर पीस, नेवर, दे डेलिबरेटली गोइंग टू मिस वन और टू पीस इन द केस स्टडी। When they are going to talk about change in marketing strategy, they are going to, ये deliberate miss होता है,
क्यों? एग्जामिनर ने भाई आपको चेंज पे टेस्ट करना है, आपने घोटाला लगाया हुआ है, समझ भी रहे हो नहीं समझ रहे, सही है? तो जब आप समझ रहे होते हैं तो चीजें आपको जहन में रखनी पड़ती है, यार जो चीजें गिवन नहीं है वो रिकमेंड हो और जो चीजें गिवन है वो चेंज हो। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2P गिवन है, आपके पास प्रमोशन और प्राइस गिवन है और प्रोडक्ट और प्लेस गिवन नहीं है, तो प्रोडक्ट प्लेस क्या होगा आपके पास? रेकमेंड हो रहा होगा, बिल्कुल रेकमेंडेशन वाले तरीके के लिहाज से। और चेंज के अंदर क्या चीज कर रहे होंगे हम लोग? जो चीज हो रही है उसका चेंज और उसका इशू और फिर देयरफॉर देयर इज अ रीजन एंड उसका फिर फायदा, सही है? याद रखना, रेकमेंड मार्केटिंग प्लान, रेकमेंड द चेंजेस इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी और रेकमेंड द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हैविंग द कीवर्ड ऑफ रेकमेंड will always going to force you to go into the final verdict वाली चीज। तो ये ज़हन में रखना है कि जो चेंज कर रहे हो, जो चेंज कर रहे हो उसमें से फाइनल वर्डिक्ट निकलेगा, रिकमेंड वाले में से थोड़ी निकलेगा। अब चेंज में हुआ क्या? 3P गिवन थे, 1P गिवन नहीं था, तो इन 3P में चेंजेस लेकर आए हो ना, तो रिकमेंड द चेंज की बात की जा रही है ना, तो फाइनल वर्डिक्ट भी इन 3 में से किसी 1P की मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज पे बात की जाएगी। इस वाले पी के बारे में बात नहीं करूंगा, ये रेकमेंड की, समझ आ रही है? तो ये चीजें जितनी भी हैं, ये चारों क्वेश्चंस, इसलिए मैंने आपको पहले ही बात भी की थी कि जितने भी चीजें आपके पास होती हैं पेपर के अंदर, इन टॉपिक, इस टॉपिक में मार्केटिंग प्लान और स्ट्रेटेजी के अंदर पढ़ाने का कुछ नहीं है, आंसर्स की प्रैक्टिस करें। और टेंडेंसी ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिटरली वेरी हाई इन पास्ट ईयर, इन पास्ट पेपर्स, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। तो इसके क्वेश्चंस करके देखना है क्या, किस तरह का एक इशू आएगा, किस तरह की एक आपके पास जो है वो क्या कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन आएगी, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, सो ऑन एंड सो। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन हम लोग अब जो हमारी जो क्लास आएगी, कल जो क्लास आ रही है, उसमें हम लोग बात कर रहे होंगे ये सेल्स फोरकास्टिंग के पास्ट पेपर जरूर लेकर आना कल सब, ठीक है? तो हमने पास्ट पेपर्स के लिहाज से जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उसके लिहाज से बात करेंगे, लेआउट्स के लिहाज से, प्लस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हम लोग लेआउट देखेंगे। कल की क्लास हो जाएगी, सही है? फिर हमारी कल वेडनेसडे है ना, कल हमारी क्लास होगी, फिर थर्सडे को हमारी फिर ऑनलाइन क्लास हो रही होगी, हम उसमें पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, सही है? जो मंडे वाली क्लास हो रही होगी ना, उसमें फिर पास्ट पेपर लेकर आओ, उसमें मैं आप लोगों से बाकायदा चेंज की जो क्वेश्चंस होंगे या मार्केटिंग स्ट्रेटजी के क्वेश्चन होगा, मेरे क्लास में पढ़वा के आपसे करवा दें, सही है? समझाऊंगा इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें आ सकती हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो लेआउट अभी हम लिखेंगे, लेकिन चेंज के क्वेश्चंस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का क्वेश्चन, मार्केटिंग प्लान का क्वेश्चन, रेकमेंड करने के ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे भी कि यार कैसे क्वेश्चंस आते हैं, दिखते किस तरह से हैं पेपर के अंदर, कैसे इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है और लिखना किस तरह से, सही है? सो वी विल बी गोइंग थ्रू दिस। तो हो सकता है शायद एक आध दो क्लास हमारी मार्केटिंग प्लान और स्ट्रेटेजी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर के ऊपर ही निकले, क्योंकि इसको हमने करना तो है, ठीक है? सो ये चीज जो है, कल प्लीज पास्ट पेपर जरूर ले आइएगा, लेआउट्स कल मैं आपको इन दोनों के लिखवाऊंगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के भी और चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, और फिर जो सेल्स फोरकास्टिंग के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोगों ने बात कर, ठीक है जी? सो दैट्स इट फॉर टुडे, जाएं एंजॉय करें, हैव फन, take care.